प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है आप घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम भिन्नों की जोड़ और घटा के बारे में पढ़ेंगे। भिन्नों के बारे में आपको पिछली कक्षा में जानकारी दी जा चुकी है। अब इनकी जोड़ या घटा किस प्रकार से करनी है, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। किस प्रकार कंफ्यूज होते हैं, पहले तो वो कंफ्यूजन ही देख लेते हैं कि यदि मुझे 2/3 में 3/4 जोड़ना हो, बटे का मतलब आप समझते ही हैं, ऊपर अंश नीचे हर। तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 और 4 और 3 7, जो कि एक सही तरीका नहीं है। इस प्रकार से हम जोड़ नहीं कर सकते। तो भिन्नों की जोड़ या घटा हम किस प्रकार से करेंगे, वो चीज अब हमें देखनी है। मैं वही प्रश्न ले रहा हूं, 2/3 और 3/4। हम तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तुल्य भिन्न के द्वारा हम इन संख्याओं की, इन भिन्नों की जोड़ या घटा कर सकते हैं। निशान है, बीच में जोड़ का ले लिया तो हमें जोड़ करना है, घटा का आ गया तो घटा करना है। लेकिन तुल्य भिन्न कैसे, 2/3 के तुल्य भिन्न वो लेनी है जिससे कि इन दोनों का हर है वो समान हो जाए। भिन्नों की जोड़ या घटा करने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है कि जो हर है, जो नीचे वाली संख्या जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा समान होनी चाहिए। इसमें यदि एक 3 है एक 4 है तो इनकी हम यहां ऐसे जोड़ नहीं कर सकते, इनके हर हमें समान करने पड़ेंगे। और उस हर समान करने के लिए हमें तुल्य भिन्नों की आवश्यकता होगी, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब वो कैसे होगी ये देखना है। हर हमारे पास जो भी चीज है, क्या है हर हमारे पास, यहां पे क्या है, 3, यहां पे क्या है, 4। अब 3 और 4 दो संख्याओं को अपने दिमाग में रखो। शुरुआत की मैं बात बता रहा हूं, जब लघुत्तम की बात आएगी लघुत्तम के द्वारा करवाएंगे, एलसीएम के द्वारा, लेकिन शुरुआत में हम 3 और 4 को ध्यान में रखें। और 3 और 4 के पहाड़े, कुछ पहाड़े मैंने लिख रखे हैं पहले ही क्योंकि जरूरत पड़ेगी, 3 और 4 के पहाड़े में वो अंक देखें जो इन दोनों में सबसे पहले आ रहा है। देखो, 3 का पहाड़ा ये लिख रखा मैंने, 4 का पहाड़ा ये लिख रखा, इन दोनों में मेरे पास सबसे पहले 12 आ रहा है। देखो, इससे पहले मेरे पास कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो दोनों के पहाड़ों में आ रहा हो, तो 12 आ रहा है। अब 12 है, 3 के पहाड़े में कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है। तो 3 वाले जो हर है उस संख्या को मैं ऊपर और नीचे किससे गुणा करूंगा, 4 से, जितने नंबर पे वो आ रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रहा है तो 4 से गुणा करूंगा। और 4 के पहाड़े में कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, 3 पे आ रहा है तो मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से। अब मैंने ये कहा था कि यदि अंश और हर दोनों को बराबर संख्या से गुणा किया जाए तो उसकी तुल्य भिन्न बन जाती है, उस संख्या के मान में कोई भी बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, संख्या हमारे पास यही रहेगी। यहां पे भी इसी प्रकार, अब बराबर का निशान हर बार लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखें, जब अगले स्टेप पे आएंगे बराबर का निशान साथ में रखा करें। ये सिर्फ इसी प्रश्न के लिए, इसी सवाल के लिए नहीं है, ये आगे आने वाले या जो आपने पहले भी किए होंगे उनके लिए भी बहुत जरूरी है। अब गुणा करके लिख दें, 4 2 8 / 4 3 12 है, जोड़ का निशान बीच में ऐसे लेना है, ये 3 3 9 / 4 3 12 है। अब जब हर बराबर हो जाए, देखो दोनों में, इसमें ही 12 आ गया और इसमें ही 12 आ गया, ये तुल्य भिन्न बनाने का हमारा मकसद ही ये था कि इनके हर है वो बराबर हो जाएं, और ये बराबर हो गए हैं, 12 12 आ गए हैं। अब जब हर बराबर हो जाएं तो हमें नीचे सिर्फ एक ही हर लेना है, एक हर ही लेंगे, को क्योंकि दोनों बराबर है तो कोई सा भी ले सकते हैं, एक ही हर लेंगे। और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ में है तो जोड़ में लिखेंगे। नीचे हमारे पास हर है 12 है और ऊपर जोड़ में 8 और 9 कितना हो गया, 17 है। ये हमारा सही उत्तर अब निकल के आया है। दोबारा से देखें, हर बराबर करने के लिए तुल्य भिन्न के लिए हम पहाड़ों का इस्तेमाल करेंगे कि जो दोनों हरों के पहाड़ों में सबसे पहले संख्या आती है उसको चूज करेंगे, उसको देखेंगे, उसको पकड़ेंगे। उसके बाद 3 के पहाड़े में कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा, 4 के पहाड़े में 3 पे आ रहा है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा, उस प्रकार गुणा करके लिख देंगे। हर बराबर होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हर एक ही लेंगे और ऊपर वाले दोनों अंश जो हमारे पास आए हैं, यदि वो जोड़ में है तो जुड़ेंगे, घटा में है तो घटेंगे। और संख्या देख लेते हैं हम,
तीन बटे आठ और एक बटे छह हमारे पास हर कौन कौन से हैं, हर आठ है और छह है, क्या ये बराबर है? नहीं है, तो अभी हम इनको नहीं जोड़ सकते, तो क्या करेंगे, छह और आठ के पाड़े में वो अंक जो दोनों में आता हो, हम जाते जाएंगे, मेरे ख्याल से ये आ रहा है अड़तालीस, मैंने इन दोनों को पॉइंट आउट कर लिया, अड़तालीस छह के में भी और आठ के पहाड़े में दोनों में आ रहा है, इससे पहले कोई भी संख्या बयालीस छत्तीस तीस चौबीस, यहां गलती हो गई, चौबीस भी देखो दोनों में है, ये गलती मैंने जानबूझ के की है ताकि आप भी इस प्रकार से देखें, मैंने एकदम उसको ले लेता और बच्चे ले लेते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से, तो इसके अंदर 24 आ रहा है तो अब हमें ये नहीं लेना है, ये लेना है जो सबसे पहले आता है ऊपर से, नीचे से नहीं ऊपर से, सबसे पहले हमारे पास क्या रहा है 24 आ रहा है, आठ के पहाड़े में तीन पे आ रहा है ना 24, यहां से मैं करूंगा एक दो तीन, आठ के पहाड़े में 24 कितने पे आ रहा है तीन पे, और छह के पहाड़े में एक दो तीन चार, चार पे आ रहा है तो छह को किससे गुणा करूंगा ऊपर नीचे चार से, ध्यान रखना ऊपर नीचे दोनों साइड एक ही संख्या से गुणा होगी, यदि यहां तीन से करें तो इसकी ऊपर वाली से भी तीन, यहां चार से करें तो ऊपर वाली से भी चार, अब तीन तीन नौ आठ तीन चौबीस, बिल्कुल इसी प्रकार चार एकम चार छह चौके चौबीस, अब हमारे पास हर एक आ गया, क्या आ गया चौबीस, देखो और ऊपर क्या बचा है नौ जमा चार, नीचे क्या आ गया चौबीस, बिल्कुल यही ऊपर जोड़ेंगे नौ और चार कितना हो गया तेरह हो गया हमारे पास, तो आंसर आ गया तेरह बटे चौबीस, इस गलती का ध्यान रहे ये ना हो दोबारा, ठीक है ऐसे करते हैं हम, एक बटे दो और एक बटे छह, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, अब दो और छह दोनों क्या है अलग अलग हैं, और इसलिए हर को समान बनाने के लिए हमें दो का पहाड़ा और छह का पहाड़ा देखना है जिसमें कि दोनों पहाड़ों में जो अंक है वो समान आए, और कितने पे आएगा, मैं दो का पहाड़ा चल रहा हूं छह का चल रहा हूं, देखो 12 आ रहा है इसमें 12 आ रहा है, लेकिन उससे पहले भी जाएंगे, मैं कह रहा हूं वही गलती कर देंगे, दो के पहाड़े में छह है और छह के पहाड़े में भी छह है, हमें ऊपर वाला अंक भी काउंट करना है, ये ध्यान रहे, ये नहीं है कि हमने स्टार्टिंग वाला छोड़ दिया, वो भी लेना है, छह के पहाड़े में भी छह है और दो के पहाड़े में भी छह है, अब दो के पहाड़े में कितने पे आया छह तीन पे, तो तीन से गुणा कर दिया, और छह के पहाड़े में कितने पे आ रहा है एक पे ही आ रहा है, तो इसको एक से ही रखेंगे, एक ही है पहले नंबर पे, क्योंकि पहले से गिनना शुरू करते हैं ना, एक दो तीन, दो में तीन पे आया है और यहां पे एक ही है, तो एक पे आया तो एक से ही गुणा करेंगे, तीन एकम तीन, तीन दुणी छह, एक एक में एक छह एकम छह, अब हर बराबर हो गए, हर हमारे पास कितना है छह पर कितना है तीन, अब घटा का निशान है एक, अब घटा है नीचे कितना हो गया छह और ऊपर तीन में से एक गया दो, दो बटे छह इसका आंसर हो गया, और जिसको आगे भी आता है वो काट भी सकता है, दो के पहाड़े में दो एक पे आ रहा है, तीन एक पे आ रहा है, एक बटे तीन, और जिसको नहीं भी आ रहा है ये तुल्य भी नहीं है, हम दो से भाग कर रहे हैं इसको, यहां भी दो से भाग कर रहे हैं, यहां भी दो से भाग कर रहे हैं, दो को दो से भाग किया एक, छह को दो से भाग किया तीन, ये भी तुल्य भी नहीं है, जिसको यहां तक आ रहा है यहां तक कीजिए, नहीं तो यहां तक भी सही है वो गलत नहीं है आपका उत्तर, अब यहां पे भी ध्यान रहे पांच और दस दोनों बराबर नहीं है, लेकिन कौन सी ऐसी संख्या है जो पांच के पहाड़े में भी और दस के पहाड़े में भी बराबर आ रही है, देखो पांच के पहाड़े दस के पहाड़े में दस है, पांच के पहाड़े में भी दस है, सबसे पहले दस ही आ रहा है, अब पांच के पहाड़े में कितने भी आ रहा है दस एक दो, तो इसको किससे गुणा करेंगे दो से, और दस के पहाड़े में एक पे ही आ रहा है तो किससे गुणा करेंगे एक से, अब चार दुनी आठ पांच दुनी दस घटा तीन एकम तीन दस एकम दस, अब दस आ गया मेरे पास दस ले लिया, और यहां आठ घटा तीन यदि मैं करूंगा आठ में से तीन, पहले तो दस नीचे आ गया आठ में से तीन गए क्या आ गया मेरे पास पांच आ गया, दस इसका उत्तर हो गया, आगे भी आपको करना हो तो इसके तुल्य भी आप शॉर्टेस्ट फॉर्म छोटी फॉर्म में भी लिख के कर सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं, ये तो सिर्फ दस तक के मैं ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा और यदि हम आगे बढ़े मेरे पास आ गया सात बटे बारह घटा तीन बटे सोलह, अब मैं क्या करूंगा कि मुझे बारह और सोलह के भी पहाड़े लिखने पड़ेंगे, बारह एक बारह बारह दो चौबीस बारह तीन छत्तीस बारह चौक अड़तालीस बारह पंजे साठ बारह छिके बहत्तर लिख के देख लेंगे, सोलह एक सोलह सोलह दो बत्तीस सोलह तीन अड़तालीस, देखो अड़तालीस आ गया दोनों में, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहां देखते हैं अड़तालीस आया, अड़तालीस बारह के पहाड़े में कितने पे आया एक दो तीन चार, चार पे आया तो चार से गुणा करें, और इसमें कितने पे आए दो तीन, तीन पे आया तो तीन से गुणा करें, हमारा मकसद है हर बराबर करना, अब सात चौके अठाईस से ऊपर नीचे बारह चौक अड़तालीस,
9 16 3 48 अब 48 मेरे पास आ गया है नीचे, ऊपर क्या बच गया 28 घटा 9, अब नीचे 48 था 28 में से 9 गए कितने बच गए भाई 19, तो 19 बटे 48 हमारे पास ये आंसर आ गया। थोड़ी और बड़ी संख्या हम लेके देख सकते हैं। अब 5 और 7 के पहाड़े में कौन सा अंक है जो सबसे पहले आ रहा है? देखो 5 के पहाड़े में मुझे 35 दिखाई दे रहा है, 7 के पहाड़े में ही 35 है, इससे पहले शायद कोई नहीं है। तो 5 के पहाड़े में 35 कितने पे है? 1 2 3 4 5 6 7 पे, 7 पे, तो इसको 7 से गुणा करूंगा ऊपर नीचे, और 7 के पहाड़े में 1 2 3 4 5 पे है, तो इसको किससे गुणा करूंगा 5 से, 7 में 7 7 में 35, 5 में 5 5 7 35, अब हर बराबर होना चाहिए तो हमें 35 ले लिया, और ऊपर क्या बच गया 7 जमा 5, अब कर सकते हैं आप 35 और 7 5 12, मतलब नीचे 12 बटे 35 का आंसर आ गया। नीचे वाली संख्या हर बराबर करने के लिए हमें उसके पहाड़ों पर जाना पड़ेगा जो नीचे हर हैं, और जो पहाड़ों में सबसे पहले संख्या दोनों में आ रही है वो कितने पे आ रही है उसको ऊपर नीचे संख्या से गुणा करके तुल्य दिन बनाएंगे। हर बराबर होने के बाद एक हर लेके ऊपर संख्या जोड़ में है तो उनको जोड़ेंगे, घाटा में है तो उनको घटाएंगे। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और अब ये प्रश्न करके अपने अध्यापकों को दिखाइए।